हुड़दंगियों ने किया भगवान राम का नाम बदनाम। तीन युवकों ने मस्जिद पर ही लहरा दिया भगवा। योगीराज में राम नाम पर हुड़दंग पड़ गया भारी। योगी की पुलिस ने हुड़दंगियों की अकड़ कर दी ढीली। आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। राम आग नहीं, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संदेश 22 जनवरी को भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से पूरे देश को दिया था, लेकिन इसके बावजूद लगता है कुछ हुड़दंगियों को पीएम मोदी की बात समझ नहीं आई। इसलिए कुछ हुड़दंगियों ने प्राण प्रतिष्ठा के दिन भगवान राम को बदनाम करने की कोशिश की और यूपी के जिला शाहजहांपुर में राम के नाम पर उत्पात मचाते हुए मस्जिद पर ही भगवा झंडा फहरा दिया, जिसे योगी सरकार ने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया। धर्म के नाम पर ऐसी हरकत करने वालों को योगी की पुलिस ने तगड़ा सबक सिखाया है। दरअसल सैकड़ों साल के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है और 22 जनवरी को भव्य प्राण प्रतिष्ठा के साथ रामलला मंदिर में विराजमान हो गए। इस खास मौके पर देशभर में जहां भगवा लहराता नजर आया, तो वहीं जिला शाहजहांपुर में रामचंद्र मिशन थाना इलाके में एक ऐसी घटना सामने आई जहां कुछ उत्पातियों ने भगवान राम के नाम पर हद पार करते हुए मस्जिद पर ही भगवा लहरा दिया। ये मामला सांप्रदायिक तनाव का रूप लेता उससे पहले ही गाँव के फलालुद्दीन नाम के एक शख्स ने थाने में शिकायत कर दी, जिस पर तुरंत पुलिस एक्शन में आ गई और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तीनों ही आरोपियों को 24 घंटे के भीतर धर दबोचा। दिनांक 22 तारीख को थाना आरसी मिशन के चौधरा ग्राम में एक समुदाय के धार्मिक स्थल पर दूसरे समुदाय के कुछ लड़कों द्वारा अपने समुदाय का झंडा लगा दिया गया था, जिसको तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर उठवा लिया गया था। इस संबंध में वहीं के रहने वाले फजालुद्दीन द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें मुकदमा लिखा गया था। एकत्र करने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल भेज दिया गया। इसमें की तलाश है, मौके पर शांति व्यवस्था, किसी प्रकार की लड़ने की कोई समस्या नहीं, विचारणा की जा रही है और चौथे व्यक्ति को शीघ्र गिरफ्तार करके जेल भेज दें। मस्जिद में भगवा लहराने वाले इन आरोपियों का नाम अंकित कठेरिया, रोहित जोशी और रोहित सक्सेना है। तीनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शाहजहांपुर पुलिस का ये एक्शन बता रहा है कि हिंदू हो या मुसलमान, कानून कोई भी तोड़ेगा, योगी की पुलिस उसे छोड़ने वाली नहीं है। शाहजहांपुर का मामला इसी का उदाहरण है। बहरहाल धर्म के नाम पर हुड़दंग करने वाले इन आरोपियों को योगी सरकार की पुलिस ने जिस तरह से सबक सिखाया है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के दिन और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार साथियों, आज का ये अवसर उत्सवता का क्षण तो है ही, लेकिन इसके साथ ही ये क्षण भारतीय समाज की परिपक्वता के बोध का भी क्षण है। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। दुनिया का इतिहास साक्षी है कि कई राष्ट्र अपने ही इतिहास में उलझ जाते हैं। ऐसे देशों ने जब भी अपने इतिहास की उलझी हुई गांठों को खोलने का प्रयास किया, उन्हें सफलता पाने में बहुत कठिनाई आई, बल्कि कई बार तो पहले से ज्यादा मुश्किल परिस्थितियां बन गई। लेकिन हमारे देश ने इतिहास की इस गांठ को जिस गंभीरता
और भावुकता के साथ खोला है। वो ये बताती है कि हमारा भविष्य हमारे अतीत से बहुत सुंदर होने जा रहा है। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। राम लला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। प्रिय देशवासियों, आज इस ऐतिहासिक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनके कार्य और समर्पण की वजह से आज हम ये शुभ दिन देख रहे हैं। राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा करके दिखाई है। उन अनगिनत राम भक्तों के, उन अनगिनत कार सेवकों के और उन अनगिनत संत महात्माओं के हम सब ऋणी हैं।